हमारा ये जो मंदिर है, माता का मंदिर है, होटल तांगड़ी पैलेस के ऑपोजिट है, एक प्राइम लोकेशन पे मंदिर है। और यहाँ पे रोड वगैरह 24 घंटे चलता रोड है और पुलिस लाइन वाला रोड है और पुलिस की गाड़ियाँ भी आती जाती हैं यहाँ पे, आम पब्लिक आती जाती है रात को 12-1 बजे तक ये रोड चलता है। ये पिछले दिनों भी आज ये 6वीं बार इस मंदिर के अंदर चोरी हुई है, लेकिन आज तो हद मका दी उस बंदे ने जिसने चोरी की है कि कैमरे, पिछले बार चोरी हुई थी तो हम लोगों ने यहाँ पे कैमरे वगैरह लगवाए थे, लेकिन इस बार उसने क्या किया कि कैमरे को मूव कर दिया कि उसका चेहरा ना आ सके। लेकिन मंदिर के अंदर एक कैमरा ऐसा था कि जो उसको पता नहीं चला, लेकिन उसके बंदे का फेस उस कैमरे में आ गया है और जल्दी से जल्दी उसको ढूँढा भी जाएगा। हमारे कठुआ थाना से पुलिस भी आई थी यहाँ पे, और ये जो बंदा है कोई शरारती जो बंदा है, ये मुझे लगता है कि ये वही होंगे, चिट्टे वगैरह वाले ही होंगे ये, क्योंकि 6वीं बार यहाँ पे मंदिर के अंदर चोरी की गई है। और मैं कठुआ वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चिट्टे वाले हैं या ड्रग्स लेने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, अपने अपने मोहल्ले के अंदर देखो कि कौन ड्रग्स लेता है, कौन बेचता है, कौन कुछ है, तो और पुलिस की सपोर्ट के साथ उस बंदे को पकड़ाओ। नौजवान तबका हमारा ख़राब हो रहा है, हमारे कठुआ के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान तबका जो चिट्टा वगैरह ले रहा है, ड्रग्स वगैरह ले रहा है, इससे मुक्त हो। ये यहाँ पे तो दहशत इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, हमारे शिवा नगर, पटेल नगर, वार्ड नंबर 17 में तो इतनी दहशत है। पिछले दिनों के अंदर रेडियो स्टेशन के पास जो मंदिर है वहाँ पे भी उसने ताले काटने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे गार्ड था, तो ये रेडियो स्टेशन का जो है फोर्स है, वहाँ पे गार्ड होता है गेट पे, उसने शेर सुनी, वो आया तो लेकिन भाग गए वो। मैं चाहता हूं कि ये जो चोरियां हो रही हैं, हम लोग भी साथ दें पुलिस का, और पुलिस भी इस करे, कुछ ना कुछ करे। ये जो चोर हैं, इनके नंबर हैं जो चोरों के, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, उन बंदों से पूछे, या फिर ये जो ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं लड़के, इनको पकड़ें। एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी कठुआ के अंदर रेड़ियाँ लगी हुई हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं, क्या इनके पास लाइसेंस है कमेटी का रेडी लगाने का? क्या इनके पास आधार कार्ड हैं? ये कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन देखे। और हमारे कठुआ के अंदर नारियल वाले, ये दूसरे स्कंजबी वाले हो गए, फास्ट फूड वाले हो गए, कूड़ा कचरा वाले, इतने ज़्यादा आ रहे हैं बाहर से, उनका पता ही नहीं है कि वो है कहाँ से हैं। ये कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन इन पर ज़रा गौर फरमाए, और हमारे पब्लिक की तरफ से कोई भी, हमारी तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, हम देने के लिए तैयार हैं।